हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस साल जेईई मेन 2021 का एग्जाम देने का है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जेईई मेन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, एज लिमिट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कितनी उम्र तक इस एग्जाम को आप दे सकते हो, मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कितनी बार इस जेईई मेन एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बीटेक बीआर और बी प्लान के कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री से रिलेटेड आपको मैं डिटेल इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ, कितने घंटे का आपका पेपर रहेगा, हर एक राइट आंसर पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके कितने मार्क्स डिटेक्ट होंगे, पेपर टाइप कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू जेईई मेन 2021 एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जेईई मेन एग्जामिनेशन के बारे में, तो आगे हम बात करते हैं जेईई मेन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको मैं बताने वाला हूँ फरवरी सेशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 मतलब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से शुरू हो चुके हैं। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो देखिए 16 जनवरी 2021 ये लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की, मतलब फरवरी सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 16 जन 2021 तक। जेईई मेन एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं तो देखिए 23 से लेकर 26 तक इसकी लास्ट डेट है फरवरी सेशन की। मार्च अप्रैल और मई में जो एग्जाम डेट्स है वो अनाउंस की जाएगी जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको विजिट करना पड़ेगा जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तभी जाके आपको आइडिया मिल सकती है कि जेईई मेन की आने वाले मंथ्स में कब एग्जाम होने वाली है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए 10+2 आपका 12th पास आउट होना जरूरी है और 12th पास आउट आपका 2019-2020 या अपेयरिंग मतलब 2021 में अगर आप अपना बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो तभी आप एलिजिबल हो जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो देखिए यहाँ पे नो अपर एज लिमिट है, मतलब आप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो आप जेईई मेन का आप एग्जाम आप दे सकते हो। नो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिमिट मतलब आप एक साल में 4 बार आपकी एग्जाम होती है तो उसको हम एक अटेम्प्ट मानते हैं, तो आप कितनी बार भी आप जेईई का एग्जाम आप दे सकते हो। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए पहले हम बात करेंगे बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के बारे में, तो देखिए 12th विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए, तभी जाके आप बी और बीटेक का पेपर आप आगे जाके आप दे सकते हो। बीआर वाले स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करते तो देखिए 12th आपका होना जरूरी है विथ पीसीएम एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आप बीआर का पेपर आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो बीआर का पेपर देने के लिए। आगे हम बात करते हैं बी प्लान वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए 12th होना आपका जरूरी है विथ मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, आपका 12th में मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए तभी जाके आप बी प्लान के लिए आप अपीयर हो सकते हो, आप बी प्लान का पेपर आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बी प्लान का पेपर दे सकते हैं क्या, तो जी हाँ आप जरूर बी प्लान का पेपर आप दे सकते हो, बस आपको 12th में आपका मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आर्ट्स और कॉमर्स में, तभी जाके आप बी प्लान का पेपर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, आप बी प्लान का पेपर आप दे सकते हो। आगे हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, तो देखिए पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री आपके 3 पेपर रहेंगे, उसमें से पेपर वन आपका बी और बी टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, पेपर टू आपका बी आर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और पेपर थ्री हमारे बी प्लान वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा रहेगा। पहले हम बात करेंगे पेपर वन के बारे में जो बी और बी टेक वाले बच्चों के लिए होता है, तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। फिजिक्स के बारे में हम बात करते तो देखिए 20 आपके एमसीक्यूज आपके इसमें पूछे जाएंगे, 10 आपको न्यूमेरिकल्स इसमें आपको दिए जाएंगे, 10 में से आपको 5 आपको सॉल्व करने के हैं और आपका जो पूरा पेपर है फिजिक्स का वो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी सेम पैटर्न है, 20 आपको इसमें एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, 10 आपको न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने के, तो वो दोनों पेपर भी 100 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे, तो कुल मिला के आपका जो बी और बीटेक का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा और आपको टोटल 90 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा, आपको मिला जाएगा 3 घंटे का टाइम, आपको 3 घंटे में आपको बी और बीटेक का पेपर आपको सॉल्व करने का है। अगर आपको हर एक राइट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा और ये जो पूरा पेपर है वो ये सीबीटी टाइप रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये पूरा पेपर आपका होने वाला है। आगे हम बात करते हैं पेपर टू के बारे में, तो देखिए बी आर्क वाले स्टूडेंट्स के बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए 20 आपको एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, 10 न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, 10 में से 5 आपको सॉल्व करने के और 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का आपका पेपर रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट
में आपको 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 200 मार्क का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका पेपर रहेगा। ड्राइंग में आपको 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ड्राइंग का पेपर आपका 100 मार्क का आपका पेपर रहेगा। तो कुल मिला के आपको 82 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का आपका पेपर 2 आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपका टाइम आपको इसमें मिलेगा। हर एक राइट आंसर पे आपको सेम 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होएगा और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। और जो ये ड्राइंग है इसमें आपको पेन और स्केचेस के लिए आपको पेपर तो लगेगा, तो ये पीबीटी टाइप रहेगा, पेन बेस्ड टाइप आपका ये पेपर होने वाला है पेपर 2। और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका सीबीटी टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये रहेगा। तो ये था पेपर 2 के बारे में। आगे हम बात करते हैं पेपर 3 के बारे में, जो है बैचलर प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। आगे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखिए इसमें आपको 20 MCQs आपको इसमें पूछे जाएंगे, 10 न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे, 10 में से 5 आपको सॉल्व करने के, और मैथमेटिक्स का आपका 100 मार्क्स का आपका इसमें पेपर रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाएंगे और 200 मार्क का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका इसमें पेपर रहेगा। प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको 25 क्वेश्चंस का आपको इसमें पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का आपको ये प्लानिंग बेस्ड ऑब्जेक्ट टाइप आपको पेपर पूछा जाएगा। तो देखिए टोटल मिला के 105 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 400 मार्क्स का आपका ये पेपर 3 आपका होने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और ये हर एक राइट आंसर पे वही सेम चीज़ आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क डिटेक्ट होगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन JEE मेन एग्जामिनेशन के बारे में। मैंने आपको पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिए, कितने घंटे का आपका पेपर रहेगा, हर एक राइट आंसर पे आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपके कितने मार्क्स डिटेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिए, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिए, एज लिमिट आप कितने बार इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिए, हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिए JEE मेन से रिलेटेड। अभी देखिए अगर आप अपना JEE का मेन अच्छे मार्क्स से आप पास आउट करते हो, मतलब आप एक अच्छा स्कोर करते हो, तो जितने भी NIT हो गया, IIIT हो गया, उनमें आप आपका एडमिशन आपका बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। और अगर आपको IIT में अगर आपको अपना एडमिशन करवाना है, तो जितने भी JEE जो एडवांस है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे मार्क्स से, तभी जाके आपको IIT में आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन JEE मेन से रिलेटेड। तो आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, क्या आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी समझा, तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको JEE मेन 2021 का एग्जाम देने का, उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो ज़रूर मेरे आपके जितने भी फ्रेंड्स उनको मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही नए वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।